देखना कितने पत्थर गिर रखे हैं यार। ऐसे क्यों रखे बैठी है? फीडबैक सुनेगी क्या? खूबसूरत सूर्यास्त देखने को मिल रहा है आज। भाई बाल्टी में तेल भर रहे हैं लोग, किस लिए? लेकिन तो भाई यहाँ पता नहीं क्यों चेकिंग कर रहे हैं और रोक दिया है हमको। भाई पिछले आधे घंटे से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, राम राम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी। तो जी, लास्ट ब्लॉग में हमने आपको सिसु से केलोंग का रास्ता, जहां खूबसूरत पहाड़ ही नहीं अपने प्रियजनों से मुलाकात और उनका प्यार लेकर हम बढ़े वापसी की तरफ, जहां खूबसूरत नदियां, पहाड़ और बेहद ही स्वच्छ वातावरण का आनंद लेते हुए हम क्या आज गुड़गांव अपने घर तक पहुँचे या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए आखिरी तक और आप भी लीजिए इन खूबसूरत नजारों का आनंद। भाई ऊपर देखना कितने पत्थर गिर रखे हैं यार। अभी आप सोचो ये तो ये बनाया हुआ है, ये नहीं होता तो ये रोड तो हमेशा ही बंद रहती। तो गाइस ये वो लोकेशन आ चुकी है जहाँ तक काफी टूरिस्ट आते हैं और ये राइट साइड पे यहाँ पे सारा अंदर पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कुछ करा रहे हैं। पुल के नीचे तक फंसे हुए हैं ऐसे इतने बड़े-बड़े पत्थर में। गोले गोले। हाँ। यार तेज पानी का बहाव सोचो कैसा होता होगा। डरावना सीन होता होगा भाई। गॉड। मतलब ये कोई कितना डर चुके होंगे। कोई इस पानी में गिरता होगा ना, तैरने की बात नहीं है, जो ये पत्थर मार देते होंगे। खत्म यार इंसान एक में बच के। तो गाइस हम लोग रुके हैं कार वॉश करवाने के लिए, बस पानी पानी मरवा रहे हैं। बहुत ज्यादा गंदी गाड़ी हो रही थी और जय खा रहा है अपना पास्ता, स्ट्रगल कर रहा है जय खाने में। तो गाइस मनाली पहुंच चुके हैं हम लोग और ये ऊपर रास्ता जा रहा है हडिम्बा टेंपल को और मेन मार्केट जो है मनाली की, वहाँ मे बी हॉल्ट लेंगे कुल्लू के आसपास। और ये डॉगीज इतने सारे। तो फ्रेंड्स हमने सोचा था कि रिवर साइड पे जाके कुछ कुकिंग वगैरह थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी अलाउड ही नहीं था। पानी के पास आप बैठना भी आपको अलाउड नहीं है, तो इस वजह से हम लोग को यहाँ पे कोई लोकेशन ऐसा नहीं मिला और हम यहाँ से आगे बढ़ गए। तो गाइस रुके हैं हम लोग ना एप्पल्स वगैरह देखने के लिए, तो काफ़ी सारी एप्पल की यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो मैंने कहा यार एप्पल्स तो लेने बनते हैं और यहाँ पे ना जूसेस भी हैं कुछ। तो गाइस हमने ले लिए हैं सेब। ऐसे क्यों रख के बैठी है? फीडबैक सुनेगी क्या? टोकरी कहते हैं 3.5 किलो की है। हाँ। और 350 रुपए की है। अच्छा ठीक है। हाँ। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा ना टोकरी चाहिए। हाँ। ना तेरे 350 रुपए मिलेंगे। हाँ। किलो का रेट लगेगा वो भी सेब की पेटी देख के। हाँ। फिर सेब की पेटी देख के जो बिना खराब थे मैं 70 बोल रहा था, वो 80 बोल रहा था। हाँ। फिर चलो कोई नहीं 80 दे दिए, मगर जब उसकी पेटियां खोल के निकला तो 3 किलो से भी कम थी। अच्छा। जिनको वो 350 का दे रहा था। हाँ। हमने 2 पेटी ली है वजन करा के। हाँ। 480 रुपीज की और उससे अलग 4 सेब। ओके। मतलब हमने कितने किलो सेब लिए? हमने 6.5 किलो सेब लिए। अच्छा 6.5 किलो 500 के। ठीक है जी। कैसे चोर है यार।
तो वो देखो गाइस पैरासेलिंग हो रही है। तो गाइस ये राफ्टिंग चल रही है यहाँ, राफ्टिंग का फोटोशूट ज्यादा हो रहा था। तो गाइस हम लोग रुके हैं यहाँ रास्ते में यार, खाना खा लें थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने आज सच कुछ भी नहीं खाया हुआ है। ग्वालिया मिक्स वेज और रोटी, तो बस खाते हैं ये। तो गाइस मस्त खाना खा लिया हमने यहाँ पे, मिक्स वेज ऑर्डर की थी, बहुत अच्छी थी। और यार 5 मिनट से भी पहले खाना आ गया था, तो यार मस्त खा लिया है। इसका बस परांठा हमने पैक करवा लिया है, तो परांठा आने वाला है शायद, वैसे मंडल ले रहा है। और ये है जी इसका नाम, तो बिल्कुल मेन हाईवे पर ही है ये और सुंदर नगर में है ये। तो ये आ गया इसका परांठा। कितने पैसे लगे? कितने कितने पैसे लगे? 410। ओके, ओह माय गॉड, लेट्स गो। और फ्रेंड्स सूर्य अस्त का समय हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सूर्य अस्त देखने को मिल रहा है आज। इतना ट्रैफिक, तो सारे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस सुंदर से शहर को सुंदर नगर कहते हैं। तो डीजल भरवाने आ गए हैं गाइस। प्राइस 86 है ना? ओके भाई, बाल्टी में तेल भर रहे हैं ये लोग, किस लिए लेकिन, और किसको दे रहे हैं बाल्टी में तेल भर के? भाई इतनी देर से हाई बीम चला के पीछे चला रहा था इसको, हमने कहा आ जा आ गया, हम नहीं आएंगे अब इसके, अब इसको हाई बीम के मजे दे रहे हैं हम ना। स्टूपिड लोग हैं इतने ज्यादा। तो गाइस कुराली का टोल आ चुका है, और गाइस मैंने आपको बताया था कि हम लोग शायद आज चंडीगढ़ पे हॉल्ट लेने वाले हैं रात को, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब ने अपनी आंखें पूरी की पूरी खोल ली हैं, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम सीधा यहाँ से गाड़ी गुड़गांव लगाने वाले हैं। अभी भी हम लोग को यहाँ से 311 किलोमीटर दिखा रहा है, तो चलो पहुँचते हैं धीरे 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 धीरे, नहीं तेज तेज। फ्रेंड्स हम लोग एंटर कर चुके हैं चंडीगढ़, और हमारा डिस्टेंस गुड़गांव का मात्र 287 किलोमीटर। तो भाई यहाँ पता नहीं क्यों चेकिंग कर रहे हैं और रोक दिया है हमको, पता नहीं डिक्की वगैरह चेक कर रहे हैं।
कर रहे हैं आप चेकिंग? 8 तारीख तक करेंगे। अच्छा तो 8th को एक्चुअली में इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो आउट होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि 8th तक अभी रहेगी चेकिंग, इसलिए रोक लिया था। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम हुआ पड़ा है यार, हम लोगों ने अभी तक मोहाली से एग्जिट भी नहीं लिया है, और यहीं पर ना एक्चुअली में किसी की गाड़ी कुछ ख़राब हुई है, उनको जैक की ज़रूरत थी, तो रतन ने बाई चांस पूछ लिया तो उन्होंने बोला जैक है क्या आपके पास, तो भी रतन इज हेल्पिंग समबडी, तो यार एक बार उनकी गाड़ी ऊपर करवा देते हैं। एक्चुअली ये सारा सामान हमारा क्योंकि ऊपर था ना यार, तो अभी जैक तो पूरा नीचे है, सारी टूल किट तो नीचे है, सारा सामान अभी थोड़ा सा हटा रहे हैं ताकि टूल किट में से जैक निकाल पाए, और जय ने पकड़ रखा है चेयर को वहाँ पे ताकि गिरे नहीं। तो गाइस जो सारा सामान अभी रतन निकाल दिया था ना, क्या क्या है यहाँ टूल किट और जैक निकालने के लिए, एक्चुअली ये सब रतन ना पीछे सेट कर रहा है बिकॉज को यहाँ बैठने के लिए अच्छे से जगह नहीं आ रही। ये कोई वीआईपी मोमेंट चल रही है पंजाब का। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। शीशा पूरा भर चुका है, इतने मच्छर लग रहा है, बारिश ही हो रही है। हाँ मतलब तो पट पट, हाँ ऐसा लग रहा है बस ना ड्रिजलिंग हो रही है, टक 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 टक, आवाज आए जा रही है, और अब तो बाहर ही ब्लर्ड ही दिख रहा है बस अब शीशे से। तो गाइस यहाँ रुके हैं फिलहाल एक वॉशरूम ब्रेक के लिए, ये लिखा है यार इतना बड़ा यहाँ पे। चलो तो गाइस टाइम हो चुका है 11:10, और अभी भी हमको जो हमारा ईटी है वो दिखा रहा है अराउंड 1:30, तो अभी देखो कितना तेज़ रतन लेके जा सकता है, क्योंकि हमको पहले हमारा ईटी है अराउंड 2 दिखा रहा था, अभी 1:34 दिखा रहा है, तो रतन चला तो बहुत तेज़ आया यार, बेचारा थक भी क्या होगा, बट बस वो ये रतन को हो जाती है कि आज ही एक दिन में पहुंच लो बस घर ना, इस ज़्यादा लेट नहीं करना। और शीशा इतना गंदा हो गया आपको दिखाया था ना मैंने, ब्लैक पैंथर वहाँ भी था ना। और ये सोने का नाम नहीं ले रहा है, इसको इतनी देर से बोल रहे हैं हम कि भाई लेट जा लेट जा। ए और ये आपको दिख रहा है छोटा सा चला हुआ है जो फाउंटेन ना, रतन यहाँ से पानी भर लाया है अभी शीशा धोने के लिए। और ब्लैक पैंथर को चमकाते हुए एक बार फिर अभी के लिए तो शीशा पूरा चमका दिया है रतन ने, और पानी पता गया है गाइस। तो गाइस दिल्ली में आपका स्वागत है, हम पहुंच गए हैं दिल्ली और हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स गुड़गांव। भाई पिछले आधे घंटे से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम लोग, फ्लाईओवर से नीचे ही नहीं उतर पा रहे हैं, और ये है पंजाबी बाग का फ्लाईओवर। घर पहुंच गए हैं हम, और इसी के साथ जय भी एक नैप लेके उठ चुका है, इसको मैंने कहा सो जा दोबारा से, बट सोया नहीं। चलो बस अब सामान हम लोग सुबह उतारेंगे और सीधे चल के अभी सोते हैं। तो गाइस घर अंदर पहुंच गए हैं, बस सामान सामान सब सुबह जैसे मैंने आपको बताया सुबह निकालेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, 2 यार सब, हम तीनों इतनी नींद में हैं। तो मिलते हैं आपसे सुबह, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 गिव इट अ थम्स अप, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय।
सर बम्बा फिर से बोलियो।